हेलो एवरीवन, दिस इज प्रश्न श्रीवास्तव, एफिनिटी एजुकेशन कंसल्टेंट। गाइस, ये वीडियो में मैंने आपको ये स्टूडियो में मैंने उन बातों का जिक्र किया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लान कर रहे हो अब्रॉड से MBBS करने का। दिस वीडियो इज बेसिकली काइंड ऑफ टिप्स की जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करो, किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी को फॉरेन में, तो वो क्या क्या पॉइंट्स के थ्रू होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से ही बात कर दूं, गाइस, अगर आपको जैसे पता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो बाहर से MBBS कर रहे हो, तो उससे पहले आप ऑब्वियसली चीज़ है, अगर इंडिया से हो तो इंडिया के बारे में ही सोचोगे कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज जो है बेसिकली इंडिया का ही मिल जाए। लेकिन समटाइम्स ही कुछ रैंक के इशूज़ की वजह से आप कितनी रैंक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से आपको जो आप कॉलेज डिजर्व करते हो या कॉलेज की जो आपकी डिमांड होती है वो आपको नहीं मिल पाता है। देन आप प्राइवेट की तरफ मूव करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको भी पता है कि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की जो डोनेशन फीस है वही बहुत ज़्यादा हाई है, एंड आफ्टर दैट जो आपकी ट्यूशन फीस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऑल ओवर यहाँ का बजट, आप जो पूरा ऑल ओवर कोर्स का जो बजट होता है वो मे भी आपके बजट से काफ़ी ज़्यादा हो, देन जो उसके बाद जो ऑप्शन निकल के आता है वो होता है अब्रॉड का। क्यों? ये ऑब्वियसली चीज़ है कि आप अपने जो आपका डिज़ायर है डॉक्टर बनने का उसको तो आप नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए आप जो है अदर कंट्री की तरफ मूव करते हो, लाइक रशिया, यूक्रेन, जहाँ पे भी जिसके अकॉर्डिंग आपको जो सुटेबल लगती है कंट्री उसके आप मूव करते हो। तो प्लानिंग ऑल ओवर बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली चीज़ है, ये आपके कैरियर का सवाल है, एंड इसको आप जितने अच्छे कॉलेज से करे उतने ही अच्छा आपको फ्यूचर में ग्रोथ होता है। पढ़ाई वाइज आपको काफ़ी कुछ ध्यान देना होता है, क्यों? क्योंकि जहाँ पे पढ़ाई हो रही है वहाँ पर आपको किस तरीके की नॉलेज प्रोवाइड की होगी, उसके लिए आप उसके बैक रिकॉर्ड जो होंगे पास्ट ईयर्स के, जिस हिसाब से वहाँ से स्टूडेंट्स निकले हैं पढ़ के, उनका कैरियर, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिली है, उनको कैरियर ग्रोथ क्या हुई है उनकी, तो इन कुछ पॉइंट्स को आपको देख करके ही आप उस कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज को चूज करो, ये एज अ कंसल्टेंट मेरा सजेशन है। सो ऑल ओवर पहले तो आप कंट्री चूज करो, किस कंट्री में आपको जाना है, देन आफ्टर दैट वहाँ की जिस कॉलेज के बारे में आप सोच रहे हो, जिस कॉलेज का आप प्लान कर रहे हो, उसके लिए आप उसकी टॉप रैंक, किस तरीके से आपको जो फैकल्टी है वहाँ पे क्या गाइडेंस मिलेगी, किस तरीके से मीडियम ऑफ टीचिंग किस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी क्वालिटी कैसी है, ये कुछ चीज़ें हैं ऑल ओवर जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं जहाँ जब आप प्लान कर रहे हो, अगर आप प्लान कर रहे हो बाहर से MBBS कर रहे हो। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो भी टिप्स मैंने प्रोवाइड की हैं, लाइक यूनिवर्सिटी रैंक क्या होगी, मीडियम ऑफ टीचिंग क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, फैकल्टी क्वालिटी क्या होगी, ये कुछ चार पाँच बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं अगर आप प्लान कर रहे हो बाहर से MBBS करने का। सो ऑल ओवर अगर आपकी कोई क्वायरी है, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर इन सब पॉइंट्स के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन एज कंसल्टेंट ये है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही ये डिसीजन लो, क्योंकि बेसिकली होता ही है कि कंसल्टेंट ऑब्वियसली चीज़ है कि जैसे हम अपनी बात करें तो हम यूजुअली स्टूडेंट्स को भेजते रहते हैं और हम उनको जो जो की पॉइंट्स होते हैं, जो जो उनको शायद नहीं भी पता होते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से आपके सामने आएगी एंड ये आपके यहाँ पर प्रॉफिट है, ये आपके लॉस है। तो सभी एक तरीके से आपको ओपन बुक मिलती है यहाँ पे एक कंसल्टेंट के थ्रू बेसिकली, कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। सो ऑल ओवर आपके लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन है अगर आप बाहर से प्लान कर रहे हो, लेकिन एक गाइडेंस एक प्रॉपर वे में होना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो ऑल ओवर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो गिवन नंबर पे, गिवन मेल आईडी पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो यूज ए कमेंट बॉक्स। सो एट द एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।